जनपद में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को शहीद अशफाक उल्लाखा प्राणी उद्यान केंद्र में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके संबंध में डीएफओ विकास यादव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर गोरखपुर में एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बाघ के संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, जो कि योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह व शहीद अशफाक उल्लाखा प्राणी उद्यान केंद्र में आयोजित होगा, जिसके लिए एक हफ्ते से विभिन्न स्कूलों में वाद विवाद, रंगोली, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जो कि लगातार चल रहा है। गुरुवार को नौकायन से लेकर चिड़ियाघर तक मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थी व आम नागरिक भाग लेंगे, जिससे अधिक से अधिक बाघ के बारे में व उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। 29 जुलाई को वन विभाग के द्वारा एक वृहद आयोजन किया जाएगा, जिसमें नेपाल, भूटान व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के साथ बाघ संरक्षण के लिए जो लोग कार्य कर रहे हैं वह लोग आएंगे, जिसमें मंत्री व मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में फिल्म स्टार रणदीप हुड्डा को भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, जिससे युवाओं में एक नया जोश व जागरूकता फैलेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीएफओ विकास यादव ने कहा, गीता इंटरनेशनल टाइगर डे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर इस बार गोरखपुर में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है बाघ के संरक्षण के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे, और इसमें जो हमारा बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह है इसमें आयोजन किया जाएगा। इसकी क्रम में हम लोग जो है पिछले 7 दिनों से विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में और चिड़ियाघर में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता, इस तरह की काफ़ी प्रतियोगिता हम आयोजन कर रहे हैं, लगातार ये सिलसिला चल रहा है। इसी क्रम में कल जो है सुबह 28 तारीख को सुबह 7 बजे रन फॉर टाइगर का आयोजन किया जाएगा। रामगढ़ ताल एरिया जो है, जो बौद्ध द्वार से लेकर चिड़ियाघर तक एक मैराथन का आयोजन किया जाएगा, इसमें विभिन्न स्कूलों के और कॉलेजों के विद्यार्थी और जो आम जनगण हैं वो इसमें भाग लेंगे, ताकि अधिक से अधिक जो है टाइगर के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। इसी क्रम में जो है अंतिम कड़ी में 29 तारीख को एक बृहद आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार वन विभाग द्वारा किया जाएगा, इसमें नेपाल से, भूटान से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के साथ साथ बाघ संरक्षण के लिए जो लोग अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं वो लोग आएंगे, प्लस जो है हमारे माननीय मंत्री जी भी इसमें आएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन की संभावना है, और इसी के साथ ही जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं बाघ संरक्षण के लिए इसमें प्रतिभाग करेंगे। हाँ, उनको भी उनका आमंत्रित किया गया है इस प्रोग्राम के लिए, और उनके आने से भी जो है सभी लोग में नया जोश और जो युवा हैं उनमें जो है जागरूकता अधिक से अधिक में फैलेगी।